हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गरीब लव फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो देखिए, ये सब कपड़ा था जो हमारा बहुत दिनों से मैं नहीं धोई थी, लेकिन सुबह में मशीन में डाल दी, तो देख रही हूँ एकदम से बारिश आया, मतलब बहुत कम बारिश आया। मैं बोली चलो बारिश आए जो भी आए, लेकिन मैं पहले उसको धो लूँगी। अभी तो गर्मी का दिन आ गया है, गर्मी लग रहा है। अभी दो दिन से थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो जो वूलन कपड़ा है उसको थोड़ा मैं, मतलब बहुत दिनों से नहीं धोई थी, लगभग हो जाएगा 1 महीना हो जाएगा मैं नहीं धोई थी। तो उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। तो सुबह सुबह ही मैंने दी, जब मैं सुखा रही थी ना उसी टाइम ही, जो मौसम बहुत ख़राब था, मैं सोची सूखेगा नहीं, थोड़ा सुखा कर कपड़े सुखा कर नीचे आई तो थोड़ा थोड़ा धूप निकला, तो मैं आज बोरी जो चावल की पापड़ है, चावल की पापड़ कहते हैं, जो जलेबी उसी टाइप का, कुरकुरे टाइप का मैं बनाने वाली हूँ। बहुत दिनों से बनाने वाली थी, नहीं बना पा रही थी, तो मैं सोच रही हूँ आज बनाऊँगी। मतलब उस दिन मैं बनाई थी इस ब्लॉग में, तो क्या करे ना, चावल को भी भिगो दिया 12:30 बजे। अभी जिस टाइम मैं सुखा रही हूँ उस टाइम 9 बज था, सुबह का 9, और जो चावल को भिगो दी, 2 घंटा चावल भीग गया। तो उसको ग्राइंडिंग करके मैं, वो जो चावल का उसको ग्राइंडिंग करके एक डो बनाऊँगी। डो बनाकर उसको हमारा कहते हैं ना, जो सेव जो करते हैं ना, उसी में बनाऊंगी। नहीं तो ऐसे जो हमारा नमक का जो पैकेट है उसी में बनाऊंगी। तो हस्बैंड भी खा रहे थे, उनको खाने के लिए दे दी जो हमारा चिल्ला और चटनी। और बाहर बैठ कर देखिए, धूप थोड़ा आया ना, जब कपड़ा सुखाई उसी टाइम धूप भी निकला। तो मैं बाहर जो पटिका में झाड़ू करके बैठी, बैठ के थोड़ा सब्जी काटूंगी। आज तो मतलब जो उस शुक्रवार को उस दिन बहुत बिजी थी, मैं थक गई, इतना काम कर कर के मैं थक गई। तो देखिए, जो पपीता मैं काट रही थी, बेटी का पसंद है, बहुत दिनों से बोल रही थी पपीता को काट कर उसको आप बॉयल करके, सिझा के आप ऐसे लहसुन और मिर्ची के साथ छौंक लगाओ, वो अच्छा लगता है, एकदम सिंपल सा, स्वीट सा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाहर बैठ कर काट रही थी जब हमारा पपीता काटने के बाद ही मैं जो पपीता को सिझाने के लिए भी मतलब ले गई, दो पपीता मैं काटी थी। हस्बैंड को पपीता अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, पपीता का भी मैं सिझा रही थी, तो वो सब तैयारी कर रही थी। तो आगे देखिए वीडियो में, आज बहुत लॉन्ग वीडियो भी है, और क्या क्या करी हूँ तो देख लीजिए, बोर मत होइएगा। तो आगे देखिए, ये टमाटर खाली आओ दिन।
फिर रखो। चावल की पापड़ बनने के लिए तैयारी हो रहा था। चावल पानी बॉयल हो गया था, उसके ऊपर नमक और जो सारे मसाले मैं दे दिया और जो तिल भी दे दिया, उसके ऊपर जो हमारा बैटर है चावल का बैटर, उस बैटर को डालकर उसको मैं एक डो बनाई। डो बनाने के बाद मैं वो जो जलेबी टाइप का कुरकुरे पापड़ बनाने के लिए बड़ी कहते हैं बड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। और जो भतीजी वो मुझे हेल्प कर रही थी, और मुझे काम भी बहुत है ना, किचन का भी बहुत काम है। मैं थोड़ा हेल्प करी और वो भी बना दी, मुझे हेल्प कर ली कर दी। और धूप भी आ रहा उस टाइम ना, बहुत धूप आ रहा था। सुबह तो धूप नहीं था, लेकिन जिस टाइम बना रहे थे लगभग 11 बजे बहुत धूप आ रहा था। तो उसको मैं जो हमारा नमक का जो पैकेट है उसी पैकेट में ही बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो मुझे करी वो सिंपल लाइफ कॉर्नर बनाई थी, तो मैं उसको फॉलो करके बनाई। मुझे थोड़ा दिक्कत हुई लेकिन बनाई, ज़्यादा नहीं करी जो जलेबी टाइप का मैं, तो मुझे टाइम भी नहीं था तो मैं वो सब कर लिया। तो देखिए कैसे करते हैं। तो आप नहीं जानते हो तो सिंपल लाइफ कॉर्नर जाकर देखिएगा उसकी वीडियो, तो उसकी वीडियो में ही है। तो देखिए ये टमाटो है, मेरे बेटी बोल रही है आपके पतिदेव की फरमाइश है टमाटो की चटनी बना, तो टमाटो खट्टा कहते हैं, तो मैं टमाटो खट्टा बना रही हूँ।
टमाटर को कट करती हूँ। सब्जी भी आ गया है, मैं दिखा दूंगी क्या क्या सब्जी आया है। पहले टमाटर को काट के रखती हूँ। सब्जी भी आ गया था। सब्जी को भी रखना है सब कुछ, मतलब आज टमाटर खट्टा और जो साग एक है गिलरी फूल को उसको फ्राई करना है और सहजन साग फ्राई और सब सब जो सब्जी को भी रखना है और ऊपर से चावल बोरी। मैं आज तो थक गई, बहुत थक गई। एक दिन क्या होता है, शुक्रवार दिन को मैं हमेशा थक जाती हूँ, बहुत काम रहता है उस दिन। और उस दिन कपड़े धोती तो और भी मैं थक जाती हूँ। फिर भी बहुत दिनों से नहीं धोई तो सुबह जो कपड़े को भी मैं धो दिया था तो देखिए ब्रोकली का जो पत्ता है उसको मैं निकाल रही थी। एक ही टाइम दो कर रही थी, एक साइड सहजन साग को मैं फ्राई कर रही थी, प्लेन ही कर रही थी। और इधर देखिए जो हमारा क्या बोलते हैं जो गिलरी फूल उसको थोड़ा बॉईल करके पानी निकाल दिया था, पानी निकाल कर उसको फ्राई कर रही थी। ये तो टेस्टी लगता है। और मुझे जो पनीर बनाना है होटल स्टाइल का पनीर बनाना है, इसीलिए मैं जो भुना हुआ मसाला जो रेस्टोरेंट स्टाइल का मसाला बना रही हूँ, सारे मसाले को थोड़े फ्राई करके कर दी हूँ। प्याज लहसुन टमाटर डाल दिया और तेजपत्ते जो हमारा करी पत्ते को भून कर थोड़ा ठंड हो गया, उसके बाद मैं ग्राइंड कर दी। ये बहुत इजी है और टेस्टी भी बहुत लगता है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो 200 ग्राम था हमारा पनीर, 200 ग्राम पनीर को मैं वो मसाले के साथ बना रही थी, दिखा रही थी। बहुत टेस्टी लगता है सच में, मेरी बेटी को तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पसंद है। टेस्टी तो लगता है, बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं बना रही थी। बहुत दिनों से भी नहीं बनाई थी। तो देखिए वीडियो को आप एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो। तो कैसा लग रहा है जो हमारा पनीर जो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का मसाला में मैं बनाई हूँ। अभी जाकर मुझे थोड़ा फुर्सत मिला, क्या करें, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू जो काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म करने के बाद मतलब कुकिंग करने के बाद ही मैं झाड़ू लगा रही थी। इधर उधर पड़ा होता है जो मेला, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद ही हमको लंच करना था, लंच करें तो बिल्कुल थक गई थी और झाड़ू भी हो गया, देखिए चाय भी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।